नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या राय स्वागत करती हूं आप सभी का यूपीएससी अड्डा 24/7 के टॉप न्यूज ऑफ द डे में। चलिए डालते हैं नजर देश दुनिया से रिलेटेड अहम करंट अफेयर्स पर। भ्रष्टाचार विरोध पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय की प्रथम बैठक चीन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की गई। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ब्रिक्स एंटी करप्शन मिनिस्टीरियल मीट 2022 को संबोधित किया। उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की कमिटमेंट का उल्लेख भी किया। भारत में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को नोडल एजेंसी बताया जाता है, विच हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ ओवरसीइंग प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव मेजर्स। भारत में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस। बताया जा रहा है कि यूएई से केरला लौटे 35 वर्षीय शख्स की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। मंकी पॉक्स एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जो कि मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। मंकी पॉक्स वायरस पॉक्स वायरिडे फैमिली में आर्थोपॉक्स वायरस से रिलेटेड है। इन ह्यूमंस सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स कैन बी सीन इन सिमिलैरिटी विद चिकन पॉक्स। यूनियन मिनिस्ट्री के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक ROSCTL स्कीम विल कंटिन्यू फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड अपैरल्स एंड मेड अप टिल मार्च 31, 2024। ROSCTL stands for Rebate of State and Central Taxes and Levies. ये एक प्रकार का एक्सपोर्ट इंसेंटिव है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल एंड सेलेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, जिसे ऑफर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। इंडिया रैंक्स 135 आउट ऑफ 146 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। भारत के ओवरऑल स्कोर में इंप्रूवमेंट देखी गई है from 0.625 in 2021 to 0.629, which is its 7th highest score in the last 16 years. Gender Gap Index के तहत ये देखा जाता है कि किस देश में कितनी प्रोग्रेस की towards gender parity, जिसका आकलन इन चार की dimensions के आधार पर किया जाता है। Number 1, economic participation and opportunity. Number 2, educational attainment. Number 3, health and survival. And number 4, political empowerment. Supreme Court ने नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों, that is fundamental duties को लागू करने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 2 महीने का और अतिरिक्त समय प्रदान किया। By the bench, under Justice Sanjay Kishan Kaul और जस्टिस M.M. Sudhesharan. फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज ऑफ न्यू इलीगल ट्रेंड ऑफ प्रोटेस्ट बाय प्रोटेस्टर्स इन द ग्रैप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वैंडलिज्म, ब्लॉकिंग ऑफ रोड एंड रेल रूट्स इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट टू मीट देयर डिमांड्स इन द शेयर वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देश दुनिया की तमाम एवं अहम यूपीएससी और स्टेट पीसेस के नजरिए से इम्पोर्टेंट खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपीएससी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।